Hey guys, welcome back. तो आज है ना दोस्तों, हमें बहुत ही खतरनाक काम करना है भाई। क्या काम करना है आज? हमारे एलिगेटर गार में जो छोटे छोटे स्नेल के बेबीज है वो सारे के सारे यहाँ से हमें रिमूव करने हैं। रिमूव मतलब यार मैं फेंकने नहीं वाला हूँ, ठीक है ना। मैं उनको हमारे जो गप्पी फिशेज के जो पॉन्ड है ना, इनमें हम छोड़ने वाले हैं। तो ये देखो यार, यहाँ पे है हमारे क्यूट से बेबी स्नेल्स। कहाँ गए यार ये? हाँ ये देखो कितने सारे यार ये देखो छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे ना। एक मिनट आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। हाँ ये देखो, ये जो बेबी स्नेल्स है 1-2 बहुत सारे हम सारे के सारे निकलने वाले यहाँ से। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं भाई, मैं हमारे एलिगेटर गार को पहले खाना दे दूंगा, फिर ही मैं ये काम करने वाला। क्योंकि अभी हम इसको खाना नहीं देंगे तो ये क्या करेगा भाई, मैं इसे हाथ यहाँ पे करूंगा तो ये सीधा चल के मेरे पास आ जाएगा। तो चलो यार मैं अभी मार्केट जाता हूँ और मार्केट से हमारे एलिगेटर गार को मैं उसका फीड लेके आता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हमारे एलिगेटर गार का खाना आ चुका है। चलो यार इसे मैं पहले ना इसका खाना दे देता हूँ, फिर मैं हमारे जो स्नेल से मैं वो पकड़ लूँगा। कॉपर आ जा भाई। आ गया भाई हमारा कॉपर और ये बड़े मज़े से खाएगा इसका खाना। ये पहला इसने बाइट ले लिया, अभी सेकंड वाला पकड़ेगा। ओए तो दोस्तों अभी इसे खाने में 10-15 मिनट तो कैसे भी लग जाते हैं, फिर 10-15 मिनट के बाद मैं आपको मिलता हूँ। 10 मिनट्स तो अभी हो ही गए यार। कॉपर अरे अभी तो खा ही रहा यार। चलो ठीक है, अभी इसका तो पेट भर गया शायद से, क्योंकि अभी ये सीधा जाएगा उधर वाले कोने में और उधर ही बैठा रहेगा। तब तक हमें ना इस सारी स्नेल में पकड़ लेते और फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों हमें जितनी स्नेल मिल सके मैंने उतनी स्नेल निकाल ली। और ये देख सकते हो यार, इतनी सारी मुझे स्नेल मिली है। जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो यार, ये है दोस्तों हमारे एप्पल स्नेल के छोटे छोटे बेबी स्नेल्स। कितने सारे ना ये शायद है ना 100 के आसपास होंगे यार, और बहुत सारे थे बट वो हम पकड़ नहीं सके क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल थे वो। अभी हम क्या करने वाले दोस्तों, ये जितने भी स्नेल्स हैं हम हमारे सारे गप्पी फिशेज के पॉन्ड में थोड़ी थोड़ी ऐड कर देंगे। अभी मैंने इतने बेबीज लिए और ये हमारे व्हाइट टक्सेडो के यहाँ पे ऐड कर दी, ऐसे ही मैं सारे पॉन्ड में अभी ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने हमारी सारी स्नेल्स ऐड कर दी और ये स्नेल से हमें एक फ़ायदा होने वाला है, जो कि जो अभी नीचे जो गंदगी होती है ना हमारे फिशेज जो खाते हैं फूड वगैरह, ये स्नेल्स खा जाएगी और हमारा वाटर अच्छा रहेगा। हमारे गप्पीज का जो सेटअप है दोस्तों, इनको अभी हमें करते हुए कंप्लीट 2 दिन हो चुके हैं और हमारे जो न्यू वाली गप्पीज है इनको भी हमारे सेटअप में आते हुए कंप्लीट 2 दिन हो चुके हैं। तो यार ये देखो भाई, इनका जो वाटर है ना थोड़ा थोड़ा ना हल्का सा ग्रीन होना स्टार्ट हो चुका है। ये देखो भाई, ये भी देख सकते हैं हमारे डम्बू ईयर, और ये हमारे जो न्यू वाली मोज है गप्पी ना यार, ये छुपके बैठी है, आज ऊपर आई है यार। ये देखो मतलब आज थोड़ी बहुत कंफर्टेबल हो चुकी है ये। कल परसों में देख रहा था ना भाई, मुझे लगा कि भाई ये कहाँ गई यार, ठीक है ना, तो ये पीछे जाकर है ना छुप गई थी, मतलब स्ट्रेस में होगी यार। अभी थोड़ी बहुत कंफर्टेबल हो चुकी है। और ये देखो भाई, इनका पानी तो थोड़ा बहुत मतलब बहुत ही ग्रीन हो चुका है, 50% इनको ग्रीन वाटर ही हो चुका है। और ये देखो भाई, ये भी आज बाहर निकली, ये भी कल चुपके बैठी थी यार, ये भी थोड़ी बहुत स्ट्रेस में थी। और ये हमारे व्हाइट टक्सेडो का तो ऑलरेडी ग्रीन ही वाटर था। तो ये देखो भाई, ये तो हमारी ये भी डर रही है यार आज, पता नहीं क्यों, मैं शायद से ध्रुवी ना इनको खाना दे के चला गया है, इनका खाना बिना हो गया, इसी की वजह से ये डर रही है। और दोस्तों हमारे जो मॉलीज है, ये देखो यार इनका जो वाटर है थोड़ा बहुत ही ना ग्रीन होना स्टार्ट हो चुका है। ग्रीन मतलब ये ब्लर सा लग रहा है यार मुझे, तो मुझे ऐसे लग रहा है ना ग्रीन हो सकता है, क्योंकि ना जो शाम की धूप है ना, अभी आज तो धूप नहीं है, आज थोड़ा बारिश का क्लाइमेट है, तो जो धूप है ना भाई, धूप सीधा यहाँ पे आती है। और ये देखो यार, पानी थोड़ा सा हल्का ग्रीन होना स्टार्ट हो चुका है, ये वाला भी देख सकते हो, और ये वाला थोड़ा क्लीन है, ये वाला क्लीन है, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं आती, यहाँ पे सिर्फ हमारी मॉर्निंग वाली धूप आती है। तो दोस्तों अभी हो चुकी है रात, और दोस्तों मैं फिश रूम में अभी आया और हमें बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ सुनने मिली, ठीक है यार। बैड न्यूज़ क्या है? बैड न्यूज़ ऐसी कि भाई हमने जो कुड़ला मार्केट से हमारे सेटअप में जो स्नेल्स ऐड की थी, सॉरी जो श्रिम्प ऐड किए थे रेड कलर के श्रिम्प, तो सारे के सारे श्रिम्प यार, ये वाली फीमेल फ्लोरन दिख रही है आपको, ये देखो भाई अभी बाहर निकली है, ठीक है। तो मैं ऐसे करूँगा ना यार, फिर चुप जाएगी भाई ये। ये देखो भाई अभी दिख भी नहीं रही यार, ये देखो अभी बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही यार, उस दिन कैसे छुपी थी यार पता नहीं यार। यार हमारी ये जो फ्लोरन है ना, वो 1 फीट का जो टैंक है ना, वो टैंक में वो रह रही थी बहुत दिनों से, बट हमने क्या किया था, तो दोस्तों हमें जाना था कुड़ला मार्केट, और मैंने क्या किया यार, वो 1 फीट से मैंने उसको निकाला और इस वाले प्लांटर टैंक में मैंने हमारी फ्लोरन फीमेल को ऐड कर दिया यार। और मैं जैसे ही कुड़ला मार्केट से आया यार, मुझे बिल्कुल भी मतलब यार याद नहीं था यार हमारे यहाँ पे फ्लोरन फीमेल है, ठीक है। तो यार जैसे ही मैंने हमारी
ये देखो बाहर निकली, ये देखो अभी पूरी दिख रही है, अभी लगे चुप जाएगी यार, मैं इसे करूँगा ना ये चुप जाएगी। तब तो डरी हुई थी यार, दो दिन तो पूरी डरी हुई थी, इसी की वजह से ये चुप गई थी। और हमने क्या किया यार, हमारे जो रेड कलर के श्रिम्प थे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, और ऐड करती ही भाई हमारी फ्लोरॉन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, और भाई खा भी लिया उनको भाई, मतलब एक भी श्रिम्प हमारा नहीं बचा, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ है। तो ये देखो यार, ये पूरी की पूरी में बाहर आ चुकी है, ये वाली ये हमारी फीमेल फ्लोरॉन, और ये वाला है यहाँ पे हमारा मेल फ्लोरॉन, इसके ऊपर ही मेरा हमारा मेल फ्लोरॉन है, ये देखो ये मेल फ्लोरॉन और अब हमारे नीचे फीमेल फ्लोरॉन। बाकी हमारे जितने भी फिश हमने परचेस की थी कुर्ला फिश मार्केट से, सारे के सारे एकदम ठीक है। और दोस्तों सिकलेट फिश जो है ना यार बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, और देखो यार अभी थोड़ी बहुत ना हैंटिंग भी हो रही है, मैं जैसे यहाँ पे हाथ लेके जाता हूँ ना, ये देखो थोड़ी बहुत यार हाथ पे अभी आ रही यार, ये मतलब ये थोड़े दिनों में फ्रेंडली हो सकती है यार, ठीक है ना। और इनके लिए हम बहुत सारे पार्टनर लेके आने वाले, ठीक है, मैं जाने वाला हूँ फिर से पेट शॉप, और इनके लिए हम बहुत सारे पार्टनर लेके आएंगे, मतलब हमारा जो टाइम है ना बहुत भरा भरा सा लगेगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। और हमारे जो फाइटर फिश यार, जो बेटा फिश है, वो तो बहुत ही मतलब यार मैंने सोचा भी नहीं था यार ये हो जाएगा हमारे साथ। देखो यार यहाँ पे उन्होंने नेस्टिंग बनाना स्टार्ट भी कर दिया, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा नेस्टिंग दिख रहा होगा, ये वाला भी नेस्ट है, देखो यार ये पूरा फाइटर फिश का नेस्ट है। तो भाई मैंने सोचा भी नहीं था यार हमारे फाइटर फिश इतने अच्छे निकलेंगे भाई, ये मतलब परफेक्ट है यार, ये देखो इनके लिए अभी सिर्फ फीमेल चाहिए, और हमारे पास फिर बहुत जल्द छोटे छोटे बेबीज भी आ जाएंगे फाइटर फिश के, ये देखो मतलब ये पूरी तरीके से यहाँ पे कम्फर्टेबल हो चुके हैं। तो यार दोस्तों मैं सोच रहा था ना यार हम फिर से जाएंगे एक्वेरियम शॉप, और ये वाला टैंक भी हमारा खाली है, और ये वाला टैंक भी हमारा खाली है, तो यहाँ पे मेरा प्लानिंग चल रहा था हमारे जो फाइटर फिश की जो फीमेल्स आएंगी तो मैं इस टैंक में रखने वाला था, ठीक है, तो अभी तो फिलहाल के लिए खाली है। जब हम अभी एक्वेरियम शॉप जाएंगे तो मैं ज़रूर वो फीमेल लेके आऊँगा, और इस टैंक में अभी हमें क्या रखना है वो आप ही मुझे सजेस्ट करना। और दोस्तों हमारा जो प्लांटेशन टैंक यार, ठीक है, वो भी बहुत दिनों से खाली है भाई, वैसे तो खाली मैंने ही रखा है, क्योंकि यार जो प्रॉपर प्लांट्स हमारे ग्रो हो जाएंगे ना फिर हम यहाँ पे ऐड करने वाली है हमारे प्यारे से एंजल फिश, ठीक है, वो बहुत प्यारे दिखेंगे यार यहाँ पे, और प्लांटेशन टैंक में बहुत अच्छे लगेंगे, ये देखो भाई ये अभी प्रॉपर ग्रो भी हो रहा है, ये वाला देखो यार यहाँ से निकला, और ये पत्ता तो बहुत दिन हो गया इसको निकलते हुए, ये देखो अभी बाकी के सारे पत्ते भी निकलने गए, और ये जो प्लांट्स है ना ये भी इनको नए नए पत्ते आने लगे, मतलब ये प्लांटेशन टैंक हमारा सक्सेस हो गए। और दोस्तों हमारे जो पोलर पैरेट ने अभी मतलब एक दो दिन पहले हमारे पोलर पैरेट ने छोटे छोटे बेबी हैच किए, और वो भी देख सकते हो यार अभी सारे के सारे मटके के बाहर भी आए थे यार मॉर्निंग में, ठीक है, बट मैंने ना शूट नहीं निकाला उनका, क्योंकि मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, क्योंकि यार मेल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है हमारा। अभी तो लाइट ऑन की मैंने, एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ जूम करके, कहाँ गए यार, हाँ ये देखो भाई ये अभी सारे के सारे फिर से मटके में चले गए, ये देखो भाई अभी फीमेल है उनके पास। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना भूल गया यार, ठीक है ना, तो वो चीज क्या है यार, हमारे यहाँ पे बहुत जल्द गणपति बाप्पा आने वाले हैं घर पे, ठीक है, तो यार ये बहुत ही ज्यादा हैप्पी न्यूज है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे जो गणपति बाप्पा है उनका हम डेकोरेशन भी करना चाहते हैं यार, ठीक है ना, अच्छा सा प्रॉपर डेकोरेशन करेंगे, ओके। तो यार मैं एक सोच रहा था कि यार ये यहाँ पे उनका डेकोरेशन किया जाए या यहाँ पे डेकोरेशन किया जाए, ठीक है ना, तो यार ये वॉलेट कलर की वॉल और ये है येल्लो क्रीम येल्लो कलर की वॉल, ठीक है, तो आपको ही डिसाइड करना है, ठीक है, उनको क्रीम बैकग्राउंड अच्छा लगेगा या वॉलेट बैकग्राउंड अच्छा लगेगा, ठीक है, आप ही मुझे डिसाइड करना, और हम फिर उनका डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कमेंट्स में आप जरूर सजेस्ट करना, ये वाली हो गई वॉल राइट, सॉरी ये वाली लेफ्ट हो गई और ये वाली हमारी राइट हो गई, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों इसी के साथ हम आज का व्लॉग एंड करते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में यार, कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है।